दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन में वर्षों बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर माइनस में है और लगातार गोता खा रहा है। सड़कों पर बहता पानी अब शीशा बन गया है। पैदल चलने वाले रास्ते रंग बदल चुके हैं, पत्थर सफेद हो गए हैं। सर्दी का सितम ऐसा कि हर कोई सुन है और कंपकपी छूट रही है। खेतों में पड़ा पाला ठिठुलन की सारी कहानी अपने आप बयां कर रहा है। इस बार की ठंड ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और लोगों को ठंड का इतिहास याद दिला दिया है। ठंड ने शिमला, कुफरी और मनाली को भी पीछे छोड़ दिया है। अपने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान दिव्य हिमाचल टीवी ने लोगों की राय ली कि कब ऐसी ठंड पड़ी थी। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि वर्ष 1945 में सोलन में खूनी ठंड हुई थी। बर्फबारी के कारण कई लोग बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे। पहली दफ़ा इतनी ठंड पड़ रही है, पहले इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। अब बरसात नहीं होने की वजह से ठंड ज़्यादा। आपको कुछ याद होगा कि पहले आपने कब ऐसी सर्दी महसूस की थी? 2002 में जब स्नोफॉल हुआ था तब ठंड थी। अच्छा, पर उससे ज़्यादा ठंड आ गई। उम्मीद कर सकते हैं कि जैसी ठंड पड़ रही है उससे जो है स्नोफॉल सोलन में भी एक बार फिर देखने को मिले? अभी चांस तो कोई नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल तो तभी बढ़ेगी जब बरसात होगी। बरसात के भी कोई चांस लग नहीं रही है। तो अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ठंड से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरता जाए ताकि लोग बीमार भी ना हो और ठंड से भी बचे रहें? गर्म कपड़ों का सेवन करें, ठंड से बचें, यही होगा। बाकी जो कुछ नहीं कह सकते, जिसको बीमारी आनी है उसके लिए तो कुछ इलाज नहीं है। ठंड से बचने के लिए अपने उपाय तो खुद करने पड़ेंगे आदमी। बहुत बहुत सोलन में विगत दशकों के बाद अब की बार बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। इतना पाला पड़ रहा है कि सोलन का आम आदमी का जीना दुष्कर हो गया है। बहुत मुश्किल से मुझे याद है कि जब मैं चंपा में रहता था तो वहाँ कमेटी की तरफ से अलाव जलाने के लिए लकड़ी मिला करती थी आम आदमी के लिए। 14 मोहल्ले थे तो 14 के 14 मोहल्लों में नगर पालिका लकड़ी मुहैया करवाया करती थी और लोग तापते थे। सोलन जैसे शहर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। इतनी ठंड पड़ रही है कि गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना समय व्यतीत कर रहा है। इस ठंड से बचने के लिए लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा सुबह शाम घर से बाहर ना निकले। शहर में टेम्परेचर माइनस के नीचे जा रहा है, जो कि शिमला से भी कम है। शिमला का टेम्परेचर आजकल सोलन से बेहतर कंडीशन में है और ये सोलन में किसी वक्त, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1945 में खूनी बर्फ़ पड़ी थी जिसमें लोग बर्फ़ के अंदर दब गए थे और उनको निकाल के लाना पड़ा था। और उसके बाद मैंने जो अपने जीवन में स्टूडेंट के नाते 1968 में अपने घर की छत से बेलचे के द्वारा कई फुट बर्फ उठाने का यत्न किया था और उस वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे हमारे घर की दीवारें वो बर्फ़ से बिल्कुल ढकी पड़ी हुई। और आस्ते आस्ते सोलन शहर की बढ़ती हुई आबादी के बाद बर्फ़ गिरना बहुत कम हो गई है और अब तो दूर से देख के ही अगर करोल के डिब्बे में बर्फ़ पड़ती है तो लगता है कि सोलन शहर में बर्फ़ पड़ती है। और बर्फ़ के पड़ने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि शहर में पाला जम जाए, लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पानी कई बार आता नहीं है और गिरी के पानी का तो ये हाल कि अभी से ही वहाँ की पाइपें जो है वो बिना बर्फ़ के भी फट रही हैं। इसके बाद सन 1968 में बर्फ कहर बनकर गिरी थी।
तब से लेकर अब तक बर्फ के दर्शन नहीं हुए, लेकिन सूखी ठंड लोगों की जान ले रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ष 1998 और 2002 में भी काफी ठंड पड़ी थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी इस बार है। बहरहाल स्थानीय लोग तो अपने घरों में हैं, उनका क्या जो ऐसी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में खुले में सोकर रातें गुजारने को मजबूर हैं। नमस्कार जी, जैसा आप सभी को पता ही है कि सोलन में कितनी ठंड है, यहाँ पे सड़क के किनारे कितने बेसहारा लोग हैं जो ऐसी सारी रात सर्दी में ऐसे गुजार देते हैं। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कोई छोटी मोटी भेंट दे दें, जैसे हमारे घर में पुराने कंबड़ रजाई होती है तो हम इनको दे सकते हैं। तो सभी से यही मेरा अनुरोध है कि सभी भाई बहन इनके हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंबड़ रजाई कुछ भी दें। ठीक है भैया, मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं पंजाब अमृतसर से आया हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए आए थे हम लोग, पहले शिमला गए थे, अभी सोलन के अंदर आए। सोलन के अंदर शिमला से भी ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर आ रहे हैं चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर चाय पियेंगे पर ठंड बहुत है यहाँ पर, मतलब कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड हो चुकी है यहाँ पर। बाकी मज़ा है यहाँ पर, देखने आए थे बर्फ का माहौल, बट बर्फ जहाँ पर पड़ी थी वहाँ पर इतनी ठंड नहीं लगी, बट सोलन में आकर ज़्यादा ठंड लगी हम लोगों को। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 एलईडी टीवी 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट, स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक। लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।